स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है हमें सभी भारतवासियों को, क्योंकि ये आज़ादी हमें बड़ी मेहनत से मिली है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर यह हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम अंग्रेजों से मुक्त हुए। जैसे सभी को पता है, आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ भी थी जिसे पूरा किए। पिछले 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कश्मीर को आज़ाद किया, जब 370 आर्टिकल निकाले और हम अपने हक से बोल सकते हैं कि ये कश्मीर आज हमारा है, उसी तरह आज उन्होंने हमें 5 अगस्त 2020 को धार्मिक स्वतंत्रता भी दिलाई कि हम आज़ाद देश में हम हिंदू अपने पूरे श्रद्धा जिसमें श्री राम भगवान में था, उस मंदिर को बनाने का उन्होंने शिलान्यास किया। आज बड़ा उत्सव का माहौल है, लेकिन ये कोरोना के वजह से हम सब भाई लोग मिलकर आज खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि डर है कि ये महामारी एक दूसरे को फैल नहीं जाए। लेकिन सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने घर में इस उत्सव का बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे और सभी लोग कोरोना के महामारी में एक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इससे भी हम आज़ाद हों और हमारे जो भी उत्तर भारतीय नई मुंबई के यहाँ से छोड़कर गए हैं, फिर वापस से नई मुंबई में आकर अपनी रोज़गार वापस से चालू करें, उनके चेहरों पर खुशियाँ देखें, यही मेरी शुभकामना है।